हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमृतसर में तो बहुत ज़्यादा फोग पड़ रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। कि अमृतसर तो वैसे ही बहुत ठंडा इलाका है हमारा, आप देख सकते हो। अभी आपको बैक से दिखाता हूँ मैं, देखिए कैसे फोग पड़ी हुई है, आसमान दिखाई नहीं पड़ रहा। और आपको पीछे से इधर दिखाता हूँ। देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा ही फोग पड़ी हुई है, घर भी दिखाई नहीं दे रहे। अभी सुबह 10 बजे का टाइम है, ये तो ये हाल है। तो फ्रेंड्स, इतनी सर्दी में अपने डॉग को ठंड से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हमें इतनी सर्दी लग रही है, मैंने ये देखो ये डाला हुआ है, क्योंकि जो सीधी पड़ती ना सर्दी तो नाक ठंडी होती है, जुकाम लग जाता है। तो मेरे डॉग को भी यही परेशानी होती है कि उनको ठंड बड़ी जल्दी लगती है। तो आपको चाहिए कि अगर आपने डॉग रखा हुआ है ना, तो उसकी सर्दी का खास ध्यान रखें। और हमारी मैडम भी आ चुकी है, ये देखो। हेलो बोलो मैडम। तो हेलो। हाँ ये खास खास ध्यान रखती है हमारे डॉग का, तो आपको दिखाते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे जरूरी बात होती है कि जो आपका डॉग है ना, उसको पेट से नहीं सर्दी लगनी चाहिए। जब भी सर्दी लगती है ना, तो पेट से लगती है, नीचे से। मिस्टी, तो गाइस, जब भी डॉग को सर्दी लगती तो नीचे से लगती, पेट से। तो देखो, हमने ये धान का जो होता है ना फोग, ये नीचे रख के इसके ऊपर ये बोरियां बिछाई हुई हैं। और इसको काफी मोटा बनाया कि नीचे से सर्दी लगे ही ना इसको। गाइस, जब भी अपने डॉग को सर्दी लगेगी ना, तो जहाँ से लगेगी पेट से, तो हमको यही ख्याल रखना है कि अपने डॉग को उसका पेट नीचे नहीं, फर्श पर ठंडी जगह पर नहीं लगे, उसके नीचे कुछ ना कुछ बिछा के रखना है कि डॉग को नीचे से ठंड ना लगे। क्योंकि तो डॉग को ऊपर से बहुत कम ठंड लगती है। जब आपको डॉग को कहीं भी लेके जाना है, तो उस पे एक जैकेट आती है, मेरे पास शायद यहाँ कहीं होगी, वो जैकेट 200-250 में मिल जाती है। तो उसको पहना कर फिर डॉग को घूमने ले जा कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ठंड नहीं लगेगी। मेन यही ध्यान रखना है कि हमारा डॉग नीचे जब भी बैठे तो कुछ ना कुछ बिछा हो इस ऐसी सर्दी में, वरना मुश्किल हो सकती है। तो गाइस, प्लीज सर्दी में यही ध्यान रखें अपने डॉग का, कि जब भी आपका डॉग नीचे बैठे तो याद रखें कि यहाँ कुछ ना कुछ बिछा हो, ताकि वो बीमार ना हो। गाइस, ये है हमारे पड़ोसियों के डॉग, बहुत खतरनाक है। देखो गाइस, मिस्टी को मैं ये थोड़ी फीड देने वाला हूँ, तो इनको खुशबू आ गई, तो देखो कैसे हो पतावली हो रही है। हो